हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारा, ए शॉपकीपर सोल्ड आर्टिकल एंड गॉट 300 एज प्रॉफिट, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट का परसेंटेज हमें यहाँ पे पता करना है। तो जैसे कि मैंने ये लिख रखा है यहाँ पे स्क्रीन पे, प्रॉफिट परसेंटेज क्या रहता है, 100 ओवर कॉस्ट प्राइज इंटू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, तो ये होता है प्रॉफिट परसेंटेज। तो हमें यहाँ पे आप इस वाले में यहाँ पे देख सकते हो, एस पी और सी पी बेसिकली ये चाहिए, एस पी चाहिए, सी पी चाहिए प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए। प्रॉफिट परसेंटेज बेसिकली दोस्तों, जो आपका कॉस्ट प्राइस है, आपको अगर 100 रुपये की कोई चीज़ पड़ी है और आपने 120 में बेची है, 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ, लेकिन उसका अगर परसेंटेज निकालना है तो वो कितना होगा, वो होगा 100 रुपये की चीज़ है, 20 रुपये और ज़्यादा में बेची आपने, मतलब 100 रुपये का अगर 20 रुपये देखा जाए तो वो 20% के बराबर होगा। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपका 20% प्रॉफिट परसेंटेज होगा। तो वही उसी फार्मूले को ये हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो यहाँ पे अगर हमारे पास तीन ऑप्शंस हैं, तीन दे रखी है, तो फर्स्ट इन्होंने बोला कि आप पता करोगे ये किसी एक की मदद से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, या दो की, या तीनों को लगा के इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है, या तीनों चूज़ करने के बाद भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। तो हम वन बाय वन चलते, पहले फर्स्ट ऑप्शन ले लेते हैं। फर्स्ट क्या, सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल इज 1200, सेलिंग प्राइस दे दिया यहाँ पे, एसपी दे दिया, और क्वेश्चन में इन्होंने बोला कि जो प्रॉफिट हुआ वो 300 का हुआ है। तो सेलिंग प्राइस अगर 1200 है, 1200 का उसने बेचा है, तो कॉस्ट प्राइस क्या रहा होगा उसका, कैसे पता चलेगा दोस्तों, जो उसको प्रॉफिट हुआ वो माइनस कर देंगे, 1200 में से 300 माइनस कर देंगे, 900 हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आ जाता है। और जैसे कि मैंने बताया आपको, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने के लिए एसपी और सीपी चाहिए, तो एसपी मिल गया, सीपी मिल गया, तो हम यहाँ पे कॉस्ट प्रॉफिट परसेंटेज जो 33.33 निकाल लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये फर्स्ट था, सेकंड ऑप्शन थे। अब अभी हमने फर्स्ट ऑप्शन के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया, अभी सेकंड भी देख लेते हैं। सेकंड क्या, वी गैव 25% डिस्काउंट विच इज 400 ऑन द लेवल्ड प्राइस, 25% डिस्काउंट दिया है जो कि 400 के बराबर है एमआरपी के। ठीक है दोस्तों, कुछ एमआरपी रहा होगा, तो पहले हम इसमें एमआरपी निकाल लेते हैं। वो एमआरपी पे जो डिस्काउंट दे के दिया है, कहने का मतलब उस कीमत पे बेचा गया, उसको डिस्काउंट दिया है, एमआरपी जो लिखा हुआ है, तो वो एसपी आ जाएगा। तो 25% डिस्काउंट है, 25% इज इक्वल टू इसके 400 के, और 1 हो जाएगा 400/25, और हमें पता करने कितने का करना, 100% का करना, 100% आ जाएगा 1600 के। ये क्या आ गया हमारा, एमआरपी आ गया, हमने एमआरपी निकाल लिया। और ये बोल रहे कि 400 रुपये का डिस्काउंट दिया, तो एमआरपी से 400 माइनस कर देते हैं, 1600 माइनस 400 इज इक्वल टू 1200, तो ये क्या हो गया हमारा, सेलिंग प्राइस हो गया, सेलिंग प्राइस हो गया, तो कॉस्ट प्राइस निकाल लेंगे हम, एक जो 300 का प्रॉफिट हुआ तो कॉस्ट प्राइस 900, और सेम जैसे कि हमने यहाँ पे 1 में निकाला था, कॉस्ट प्राइस आ गया था 900, सेलिंग प्राइस आ गया था 1200, मतलब बी से भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ओनली अगर हमारे पास बी है। थर्ड देख लेते हैं, थर्ड में कॉस्ट प्राइस इन्होंने दे ही दिया, कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल 900, तो कॉस्ट प्राइस दे ही दिया, तो सेलिंग प्राइस निकाल लेंगे, 300 का प्रॉफिट है तो 900 में 300 ऐड कर देंगे, 1200 हो जाएगा। तो इससे भी हम थर्ड ऑप्शन से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। कहने का मतलब यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए किसी भी एक ऑप्शन मिल जाए तो हम सॉल्व कर देंगे। उम्मीद है समझ आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।